हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राहुल गांधी ने कहा, नरेंद्र मोदी ने ईमानदार प्रधानमंत्री होने का वादा तोड़ा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने ईमानदार प्रधानमंत्री होने सहित अपना सभी वादा तोड़ा है। तेलंगाना में छात्रों के सम्मेलन और विभिन्न चुनावी रैलियों में कांग्रेस अध्यक्ष ने कर्ज माफी की भी पुरजोर वकालत की। राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यानी कि केसीआर पर हमला करने में भी वह नहीं चूके। केसीआर को कांग्रेस अध्यक्ष ने खाओ कमीशन राव कहा। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तेलंगाना के कार्यवाहक मुख्यमंत्री केसीआर ने कई वादे किए थे, लेकिन उनमें से एक भी पूरा नहीं किया। लेकिन प्रधानमंत्री ने हर नागरिक के खाते में 15 लाख रुपए जमा कराने, हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने, कृषि कर्ज माफी और कृषि उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य मुहैया कराने का वादा किया था। उन्होंने ये भी वादा किया था कि वह इस देश के चौकीदार होंगे, न कि प्रधानमंत्री। राहुल ने कहा कि आपने देखा है कि उन्होंने अपना हर वादा तोड़ा है। उन्होंने ईमानदार प्रधानमंत्री होने का वादा भी नहीं निभाया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने उद्योगपति अनिल अंबानी को राफेल सौदे में 30,000 करोड़ रुपए दिए, लेकिन किसानों को उनका हक नहीं दिया। राहुल ने कहा, यदि भारत के प्रधानमंत्री देश के सबसे धनी 15 लोगों के 3,50,000 करोड़ माफ कर सकते हैं, तो उन्हें भारत के किसानों का कर्ज माफ करने के लिए भी तैयार होना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि वह कोई झूठा वादा नहीं करना चाहते, क्योंकि ये उनकी विश्वसनीयता से जुड़ा है। केसीआर ने सुनहरा अवसर गवाया। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि केसीआर को नवगठित राज्य में सुनहरा अवसर मिला था। वे नए सिरे से कुछ कर सकते थे, लेकिन वो भ्रष्टाचार में और परिवार को बढ़ावा देने में व्यस्त रहे। मोदी केसीआर ने आदिवासी अधिकार कानून में घालमेल किया। तेलंगाना के आदिवासी बहुल क्षेत्र भोपाल पल्ली में राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने वनवासियों को नुकसान पहुंचाने के लिए आदिवासी अधिकार अधिनियम में घालमेल किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस यदि सत्ता में आई तो सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थाओं में आबादी के अनुरूप आदिवासियों को आरक्षण दिया जाएगा। मोदी योगी की सरकार में राम मंदिर न बना तो बीजेपी से भरोसा उठ जाएगा, कहते हैं रामदेव। योग गुरु रामदेव का कहना है कि अगर देश में मोदी और योगी की सरकार रहते हुए भी राम मंदिर नहीं बनता तो भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। रामदेव मंगलवार को उत्तरी हरिद्वार स्थित शदानी दरबार के नवनिर्मित भवन के उद्घाटन समारोह में शामिल होने के बाद पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा, भगवान राम भारतीय जनमानस की आस्था के प्रतीक है। उनके मंदिर निर्माण का मसला देश की अस्मिता से जुड़ा है। इसमें विलंब से हिंदुओं का धैर्य जवाब दे रहा है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि देश का जनमानस यदि खुद ही राम मंदिर बनाने का काम करता है तो ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि इससे सामाजिक समरसता के भी दरकने का खतरा बनेगा और कानून व्यवस्था का भी संकट हो सकता है। रामदेव ने भी अध्यादेश का समर्थन करते हुए कहा, अगर कार सेवक मंदिर निर्माण का काम शुरू करते हैं तो वह न्यायालय की अवमानना होगा। अध्यादेश ही एकमात्र रास्ता है। गौरतलब है कि 25 नवंबर को विश्व हिंदू परिषद समेत तमाम हिंदुवादी संगठनों ने अयोध्या में धर्म सभा करके सरकार को ये संदेश देने की कोशिश की कि वह चुनाव से पहले राम मंदिर का निर्माण शुरू करवाए। सर्वे के अनुसार कम हुई अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ा सकती है 2019 में नरेंद्र मोदी सरकार की परेशानी। भारतीय अर्थव्यवस्था की सुस्त पड़ी रफ्तार मोदी सरकार के लिए फजीहत का सबब बन सकती है। 2019 लोकसभा चुनाव सिर पर है और अर्थव्यवस्था पहले से ज्यादा धीमी गति से आगे बढ़ रही है। रॉयटर्स के एक सर्वे के मुताबिक जुलाई सितंबर क्वार्टर में 7.40% का ग्रोथ सालाना विकास दर के पैरामीटर पर कमजोर हो सकता है। जैसे जैसे इलेक्शन की तारीख नजदीक आती जाएगी, विकास दर में कमी देखी जा सकती है। हालांकि वर्तमान विकास दर चीन की तुलना में काफी बेहतर है, मगर भारतीय अर्थव्यवस्था इससे पहले सितंबर के मुकाबले जून में धाकड़ प्रदर्शन कर चुकी है। पिछले 2 सालों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए अर्थव्यवस्था ने जून क्वार्टर में 8.2% का आंकड़ा छू लिया था।
इकोनॉमिक्स टाइम्स के मुताबिक वर्तमान वित्त वर्ष के दूसरे पड़ाव में विकास दर के और कम होने की संभावना है। एक्सपर्ट के हवाले से अखबार ने बताया है कि यदि इस बीच कोई बड़ी राजनीतिक अनिश्चितता खड़ी होती है तो ये सीधे सीधे बाजार और व्यापार पर असर डालेगी। ऐसा नहीं है कि वर्तमान में विकास दर कोई खराब है, लेकिन मसला इसके लगातार नीचे गिरते हुए ट्रेंड को लेकर है, क्योंकि भारत को इस वक्त 8% से अधिक के विकास दर की आवश्यकता है। 1,20,00,000 के करीब युवा वर्ग हर साल नौकरी की मांग कर रहा है। ये मोदी सरकार के लिए बड़ी चुनौती रही है, क्योंकि 2014 लोकसभा चुनाव में भारी जीत हासिल करने के बाद सरकार नौकरियों को लेकर निशाने पर रही। मुंबई स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी यानी कि CMIE के मुताबिक अक्टूबर माह में बेरोजगारी दर 6.9% के हिसाब से बढ़ी और ये पिछले 2 सालों के मुकाबले ज्यादा थी। विकास दर में कमी के पीछे कोई और भी कारण है। इनमें मुख्य रूप से रुपए का कमजोर होना और बैंकों की खस्ता हालत ने व्यापार को मुंह के बल गिराया है। इन कारणों का निवेश और उपभोग पर बहुत बुरा असर पड़ा। टूरिज्म, गाड़ियों की सेल, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जैसे सेक्टर निराशा करने वाला रहे हैं। हालांकि विकास दर के संबंध में पिछले साल के मुकाबले इस वर्ष रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की भविष्यवाणी थोड़ी सुकून देने वाली है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मार्च तक देश की विकास दर 7.4% होने की भविष्यवाणी की है, जबकि पिछले वर्ष ये आंकड़ा 6.7% था। रणदीप सुरजेवाला का पीएम मोदी पर हमला, कहा बीजेपी की पकौड़ा पॉलिटिक्स ने हमारी अर्थव्यवस्था को डुबा कर रख दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने एक बार फिर पीएम मोदी वित्त मंत्री अरुण जेटली पर अर्थव्यवस्था के भ्रामक आंकड़े पेश करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की पकौड़ा पॉलिटिक्स ने देश की पूरी अर्थव्यवस्था को ही डुबा कर रख दिया है। सुरजेवाला ने कहा कि वित्त मंत्री के गलत फैसलों ने अर्थव्यवस्था को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, चाहे बात GST की करे या फिर कर आतंकवाद की। इन दोनों के सबसे ज्यादा नुकसान आम आदमी और देश की अर्थव्यवस्था को हुआ है। बता दें कि सुरजेवाला ने पीएम मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली पर यह आरोप सरकार के उस दावे के बाद लगाए है जिसमें UPA सरकार के 2005-2006 और 2011-2012 के समय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को NDA की मौजूदा सरकार से कम बताया था। सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि केंद्र द्वारा जारी किए गए पूरे सकल घरेलू उत्पाद की श्रृंखला के आंकड़े पिछले 15 वर्षों में भारत की विकास की कहानी को कमजोर करने के लिए पराजयवादी मोदी सरकार के प्रयासों को दर्शाते हैं। बता दें कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस ने पीएम मोदी या वित्त मंत्री पर हमला बोला हो। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी चुनावी रैलियों में लगातार राफेल का मुद्दा उठाते हुए मोदी सरकार पर हमला बोलते हैं। उन्होंने कहा है कि राफेल सौदे की जांच होने पर घोटाला उजागर होगा और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अनिल अंबानी के नाम सामने आएंगे। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल ने दावा किया था कि राजद सरकार प्रति विमान 1,600 करोड़ रुपए की दर से खरीद रही है, जबकि कांग्रेस नीत संप्रग सरकार के समय प्रत्येक लड़ाकू विमान की कीमत 526 करोड़ रुपए तय हुई थी। कांग्रेस अध्यक्ष का ये बयान ऐसे वक्त आया है जब उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि राफेल लड़ाकू विमानों की कीमतों पर उसी स्थिति में चर्चा हो सकती है जब इस सौदे के तथ्यों को सार्वजनिक दायरे में आने दिया जाए। राहुल गांधी ने कहा था कि CBI निदेशक यानी कि आलोक वर्मा ने राफेल सौदे में जांच शुरू की थी। प्रधानमंत्री ने उन्हें रात में 12 बजे हटा दिया। मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन राफेल सौदे की जांच शुरू होगी दो नाम सामने आएंगे, एक अनिल अंबानी और दूसरा नाम नरेंद्र मोदी का। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद की एक टिप्पणी की भारत सरकार ने डसॉल्ट एविएशन के लिए रिलायंस डिफेंस का नाम भागीदार के तौर पर दिया था और फ्रांस के पास विकल्प नहीं था। इस पर राहुल ने कहा कि मोदी ने 58,000 करोड़ रुपए के राफेल सौदे में डसॉल्ट के भागीदार के तौर पर अंबानी की कंपनी का नाम सुझाया। राहुल ने कहा था कि मोदी सरकार ने एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में लंबा अनुभव रखने वाली हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL की जगह अंबानी की अनुभवहीन कंपनी को चुना। नए आरोपों पर सरकार या भाजपा की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, हालांकि दोनों ने पूर्व में राफेल सौदे पर सभी आरोपों को खारिज किया था।
नोटबंदी पर राहुल ने कहा कि नोटबंदी के कारण गरीब लोग परेशान हुए और किसी भी अरबपति या काले धन के चोरों को 500 और 1000 रुपए के नोट को बदलवाने के लिए कतार में खड़ा नहीं होना पड़ा। राहुल ने नोटबंदी को देश का सबसे बड़ा घोटाला बताया था। उन्होंने कहा था, इससे यानी नोटबंदी से बड़ा घोटाला कोई नहीं है, सच सामने आएगा। इससे साबित हो जाएगा कि मोदी ने गरीब लोगों का धन हथियाने और नीरव मोदी, अनिल अंबानी और मेहुल चौकसी जैसे चोरों की जेबों में इसे डालने के लिए ये कदम उठाया। प्रधानमंत्री को भ्रष्ट बताते हुए राहुल ने उन पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह के बेटे अभिषेक के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के आरोप लगाए। गांधी ने कहा कि रमन सिंह के बेटे का नाम पनामा पेपर्स मामले में आया था। राज्य के साथ अपने पारिवारिक जुड़ाव का जिक्र करते हुए कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि संबंध प्यार का है, राजनीति का नहीं। उन्होंने कहा, आपके साथ हमारा पुराना नाता है। जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी के छत्तीसगढ़ के साथ पारिवारिक संबंध रहे हैं। ये प्यार का संबंध है, राजनीति का नहीं। उन्होंने भाजपा नीत राज्य सरकार पर किसानों की जमीन का जबरन अधिग्रहण करने का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस को सत्ता मिलेगी तो किसानों से जमीन नहीं छीनी जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष ने छत्तीसगढ़ में जनता की सरकार कायम करने का वादा किया और सत्तारूढ़ भाजपा पर 15 साल के अपने कार्यकाल में राज्य को बर्बाद करने का आरोप लगाया। राज्य में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए रैली को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा कि जल, जंगल, खदान और खनिज के मामले में ये राज्य देश के संपन्न राज्यों में से एक है। उन्होंने दावा किया कि उद्योगों की स्थापना के लिए आदिवासी बहुल राज्य के इस हिस्से में स्थानीय लोगों की जमीन ले ली गई, लेकिन जब उद्योग नहीं लगे तो जमीन लोगों को वापस नहीं की गई। राज्य में विधानसभा की 90 सीटें हैं। दूसरे चरण में 72 सीटों के लिए मतदान 20 नवंबर को होगा और मतगणना 11 दिसंबर को होगी। नोटबंदी मोदी सरकार का क्रूर फैसला था, कहते हैं अरविंद सुब्रमण्यन। मोदी सरकार में मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी CEA रहे अरविंद सुब्रमण्यन ने नोटबंदी पर चुप्पी तोड़ते हुए इसे सरकार का क्रूरतम कदम और सबसे बड़ा झटका करा दिया है। इसके बाद कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने सरकार को निशाने पर लिया। पहले ही सरकार GDP आंकड़ों में बदलाव को लेकर कांग्रेस और विपक्षी दलों के निशाने पर है। नोटबंदी के वक्त मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे अरविंद ने अपनी नई किताब ऑफ काउंसिल द चैलेंजेस ऑफ मोदी जेटली इकोनॉमी में कहा कि अचानक 500 और 1000 के नोट बंद करने से इकोनॉमी को तगड़ा झटका लगा था। इसकी वजह से 8% की दर से बढ़ रही अर्थव्यवस्था 6.80% के निचले स्तर पर जा पहुंची। एक ही झटके में 86% करेंसी को कागज के टुकड़े बना देने की सबसे ज्यादा मार असंगठित क्षेत्र पर पड़ी। नोटबंदी को बताया अनोखा फैसला। अरविंद ने कहा, नोटबंदी एक अनोखा फैसला था। आधुनिक इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जब सामान्य परिस्थितियों में किसी देश ने नोटबंदी जैसा फैसला लिया हो। उनकी किताब में नोटबंदी पर टू पजल ऑफ डिमोनेटाइजेशन नाम से एक पूरा चैप्टर है। सुब्रमण्यम मोदी सरकार में मुख्य आर्थिक सलाहकार के पद पर है। PM के पास नहीं थी ठोस वजह। अरविंद ने दावा किया कि नोटबंदी लागू करने के पीछे PM नरेंद्र मोदी के पास कोई ठोस वजह नहीं थी। उन्होंने इसका जिक्र नहीं किया कि नोटबंदी पर उनसे सलाह ली गई थी या नहीं। इसके बाद कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने ट्वीट में कहा कि आखिर पूर्व CEA ने भी नोटबंदी से तबाही पर सच्चाई बयान कर दी। CPM और तृणमूल नेताओं ने भी मोदी सरकार को घेरा। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।